मैं श्रीमती अर्पणा द्विवेदी झांसी की निवासी हूँ। मेरे पति डॉक्टर श्री प्रकाश द्विवेदी जो बांदा में जिला कुष्ठ रोग अधिकारी के पद से फरवरी माह में सेवानिवृत्त हुए हैं, वो यहाँ बांदा में रह रहे थे। 14 नवंबर को रात्रि 7:35 पे हमारी आखिरी बात उनसे हुई है। उन्होंने हमको बताया कि वो गोपाल नारायण तिवारी जो कि बांदा के निवासी हैं उनके घर में रह रहे हैं उनके साथ। और हमारे तभी से 14 नवंबर से हमारे पति का मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा है, नंबर बंद है और उनसे कोई भी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। गोपाल नारायण तिवारी जो कि पेशे से वकील हैं और उनका भाई छोटा सत्यनारायण तिवारी जो कि पेशे से पत्रकार है, उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की परंतु उनने भी हमारे मोबाइल को उठाया नहीं है और ना ही हमसे कोई संपर्क साधने की कोशिश की है। हमने उनसे बहुत कई बार फोन लगाया तो उन्होंने यही कहा कि हाँ हमारे घर रह रहे हैं लेकिन हम बात नहीं करवाएंगे। उसके बाद हम बांदा आए, अभी 4 दिन पहले जब बांदा आए तो हम गोपाल तिवारी का घर ढूंढते ढूंढते उनके घर पहुंचे तो गोपाल तिवारी ने हमसे कहा कि हाँ तुम्हारे पति हमारे घर में रह रहे हैं लेकिन हम जब चाहेंगे तब मिलवाएंगे, जब तक हम नहीं चाहेंगे तब तक हम नहीं मिलवाएंगे, ना ही हम बात करवाएंगे। और हमने और हमसे बोले कि तुम यहाँ से खोजबीन करना अपने पति की बंद कर दो, नहीं तो तुमको और तुम्हारे बच्चों को जान से मरवा देंगे और लाश भी नहीं मिलेगी। ये कह के उन्होंने हमको बोला कि तुम हमारे घर से निकल जाओ, यहाँ से जाके कहीं भी रोड पे लेटो चाहे स्टेशन पे लेटो, यहाँ से जाओ। हम पुलिस प्रशासन के पास गए, हम SP के पास गए और कोतवाली गए, थाने गए। रोज 4 दिन से गोपाल तिवारी से बात हो रही है, गोपाल तिवारी के भाई से भी पुलिस की बात हुई है तो रोज वो बहाना बना देते हैं कि डॉक्टर साहब आज भोपाल गए हैं, आज इलाहाबाद गए हैं, आज महोबा गए हैं और ना ही हमारा पति से मिलवा रहे हैं और ना ही हमारी बात हो पा रही है और हमारे पति का मोबाइल स्विच ऑफ है। हमें अंदेशा है कि गोपाल नारायण तिवारी एवं सत्यनारायण तिवारी ने उनके साथ कोई अनहोनी घटना ना कर दी हो और हमें भी उन्होंने जान से मारने की धमकी दी कि अपने पति की खोज खबर करना बंद कर दो अन्यथा तुमको भी मार दिया जाएगा, तुम्हारे बच्चों को भी मार दिया जाएगा। पुलिस प्रशासन हमारी कोई मदद नहीं कर रहा है और कोई भी उनको साथ शरीर हमारे सामने उपस्थित नहीं कर रहे हैं और ना ही उनका फोन द्वारा हमसे बात कराई जा रही है, वो बंधक बना के रखे हुए हैं। आप सभी से हमारा निवेदन है कि कृपया हमारी मदद करें और हमारे पति को अभी ये भी नहीं पता कि वो जिंदा भी हैं या इन्होंने मार दिया है उनको। कृपया आप सभी से हमारी प्रार्थना है कि हमारे पति को हमसे मिलवाने की और हमारे पास वापस बुलवाने की कृपा।